जरूरी है। दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र चुनाव के पहले कम नहीं होगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। राहुल के खिलाफ टिप्पणी पर बोंडे गायकवाड़ अड़े, कांग्रेस का प्रदर्शन। रोड शो के साथ आपके प्रचार में जान फूकेंगे केजरीवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र चुनाव के पहले कम नहीं होगी पेट्रोल और डीजल की कीमत। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बनी वजह मुंबई। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में काफी उतार चढ़ाव रहने की वजह से पेट्रोल एवं डीजल की घरेलू कीमतों में लागत घटने के बावजूद कोई कटौती नहीं हो पा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव के पहले पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने की संभावना बनती नहीं दिख रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले भी कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आई बढ़ती अगली खबर की ओर। राहुल के खिलाफ टिप्पणी पर बोंडे गायकवाड़ अड़े, कांग्रेस का प्रदर्शन। मुंबई कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी कर सुर्खियों में आए शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ और भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने गुरुवार को कहा कि वे अपने बयान पर अड़े गए। इस बीच कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर आयोजित देशव्यापी प्रदर्शन के तहत पार्टी की महाराष्ट्र और ओडिशा इकाइयों ने भी गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। गायकवाड़ ने सप्ताह की शुरुआत में राहुल की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि वह अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों से परेशान नहीं है। बोंडे ने भी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को मुंबई, नागपुर सहित महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया और विपक्षी दलों से गायकवाड़ और बोंडे के कथित विवादित टिप्पणियों के लिए दोनों नेताओं को निष्कासित करने की मांग की। मुंबई के निकट भयंदर में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक सांसद, विधायक और एक केंद्रीय मंत्री ने राहुल को धमकी दी। उन्होंने डर गई कि भाजपा और उसके सहयोगियों की आलोचना की। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। रोड शो के साथ आपके प्रचार में जान फूकेंगे केजरीवाल। नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल 20 सितंबर को जगाधरी निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे। पार्टी महासचिव संदीप पाठक ने गुरुवार को कहा कि केजरीवाल आने वाले दिनों में राज्य के 11 जिलों में 13 कार्यक्रमों में भी भाग लेने, जिनमें डबवाली, रानी अभिवानी, महम, कलायत, असंध और बल्लभगढ़ तथा अन्य निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उनके आगे के अभियान कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। आबकारी नीति मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद केजरीवाल ने बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब वह अपने पार्टी के प्रचार के लिए व्यस्त रहेंगे। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बात विफल होने के बाद आप राज्य की सभी 90 विधानसभा सीट पर चुनाव। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब फ्लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वॉचिंग MNS News।